जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरपीएससी का एक बड़ा नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। राजस्थान से जुड़ी हर खबर हम आपको सबसे पहले देते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट 2019 की तैयारी कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर सभी बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ऐप को सिलेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधान अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा अनुसार शेड्यूल प्रथम के सेक्शन द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से संबंधित आपको बता दूं, ये वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा सामाजिक विज्ञान से ये संबंधित है। पदों पर संलग्न सूची में अध्यापकों को रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किए जाने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 11 में राज्य के स्वीकृत पदों पर पदोन्नति कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पद स्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उक्त या उच्चतर वेतनमान पा रहे कर्मिकों को उनका विद्यमान वेतन दे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यह पदोन्नति पद स्थापन आदेश निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी किए जाएंगे। इन कार्मिकों को अपने पदोन्नति पर पद स्थापन स्थान दिनांक 12/6/2019 तक कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्य ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए इसका पदोन्नति परित्याग माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में आप सेकंड पॉइंट दे सकते हो, संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्य ग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त करे। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर कार्य ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु तत्काल प्रेषित करें। संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का इंद्राच अनिवार्य रूप से करें। इन कार्मिकों को कार्य ग्रहण करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक FC-7 के प्रावधान अनुसार दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने पर प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जगदीश चंद्र राठौड़ के द्वारा जारी किया गया संयुक्त निदेशक हैं ये स्कूल शिक्षा पाली संभाग से। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। राजस्थान से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।